दोस्तों एंजल ब्रोकिंग फुल सर्विस ब्रोकर का सर्विसेस आप एंजॉय कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं फ्री में। और इसका जो बेनिफिट है, इसमें आपको जैसा डिस्काउंट ब्रोकर का चार्जेस लग रहा है उसी टाइप से इसका चार्जेस है, काफ़ी कम चार्जेस है। और जैसा डिस्काउंट ब्रोकर का चार्जेस है वैसा ही इसका चार्जेस है। प्री डिलीवरी है इक्विटी के लिए और ₹20 पर ऑर्डर और इंट्राडे एपेंडो करेंसी कमोडिटी सभी के लिए। और 48 टाइम्स आप मार्जिन्स का इसमें अवेलेबिलिटी है। तो आपका नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया गया है, उसमें आपको लिंक ओपन करते से ये पेज खुल जाएगा दोस्तों। तो इसमें आपको आपका नाम एंटर करना है, यहाँ पे आपको अपना नाम एंटर करना है दोस्तों। यहाँ पे आप अपना नाम एंटर करेंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे सिटी डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने से आपको एक OTP आएगा, OTP डालेंगे उसके बाद आगे आप प्रोसेस कर सकते हैं टेक्नी ऐड और रिज्यूमे एप्लीकेशन करके। सो आप ऑनलाइन अकाउंट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी है तो एंजल ब्रोकिंग से आपको फ़ोन कॉल आ जाएगा, आपका अकाउंट ओपन करने के लिए सहायता करेंगे। सो ये है दोस्तों, फ्री में अकाउंट ओपनिंग है और आप अप टू 200 रुपीज़ का स्टॉक का अपॉर्चुनिटी है आपको फ्री में मिल सकता है, उसका भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं। अभी अकाउंट ओपन करेंगे तो वो ऑफर का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, SSU एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ इंडसइंड बैंक। दोस्तों इंडसइंड बैंक आप देख रहे होंगे दोस्तों, तो ये कुछ समय पहले काफ़ी ऊपर में ट्रेड कर रहा था और इसका जो हाई है दोस्तों ये 1823 का हाई है और इसने यहाँ पे ये अपना एक पैनिक लो बनाया है और वो है 235 का दोस्तों। और यहाँ पे देखेंगे जैसा ये गिरावट आ रही थी दोस्तों वॉल्यूम देखते देखते, यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम किस प्रकार से वॉल्यूम बिल्डअप हो गया है इस जोन में। और यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट अभी एक्युमुलेशन फेज में चल रहा है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी था 235 लेवल्स के आसपास उठाने का। अपने हाई से लगभग ये देखेंगे तो 90% करेक्ट हो गया है दोस्तों, 90% करेक्शन। सो 1800 का माल, 1825 का माल आपको खाली 235 रुपये में मिल रहा था, 10% वैल्यू जो उसका अपना हाई है वहाँ से मिल रहा था दोस्तों। तो क्या इतना सिचुएशन इतना दिन में चेंज हो गया? हाँ जी हाँ दोस्तों, सिचुएशन ज़रूर चेंज हुआ है और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अभी फ़िलहाल जो कंडीशन चल रहा है सभी बैंकों का NPH गड़बड़ होने वाला है, ना कि इंडसइंड बैंक अकेला। तो आप इसमें ध्यान में रखिए। तो जो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी आप ढूंढेंगे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए इंडसइंड बैंक एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके सामने। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आप ज़रूर ले सकते हैं। ये बेस्ट लेवल है, बेस्ट जोन है आपको जो बाय करने के लिए 250 से लेके 400 के बीच में आप इसको अपलेट कर सकते हैं। आज का देखेंगे तो आज का ये ओपन हुआ था 388 पे और लो था 371 और हाई बनाया इसने 421 का और फाइनली क्लोज हुआ है 410 में दोस्तों। तो ये बैंक का ये देखेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे थोड़ा तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। इंडसइंड बैंक का जो डिटेल है, हाई इसका देख सकते हैं आप, 52 वीक हाई है 1823 का और इसका लो है 235 का, पैनिक लो बनाया है। करंट प्राइस 410 है और मार्केट कैपिटलाइजेशन है 28,459 करोड़ का। इसका बुक वैल्यू है 384 का, स्टॉक पी है 6.36 का, डिविडेंड यील्ड 1.83% है, ROCE 7.62, ROE 13.08, सेल्स ग्रोथ
TS का 23.31% है, फेस वैल्यू इसका 10 रुपीज़ का है और इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 9.08 है। ये थोड़ा स्लाइटली हायर है फाइनेंसिंग कंपनीज में, ये चलता है दोस्तों। और इसका EPS देखेंगे तो 54.77 का है और EPS लास्ट क्वार्टर का आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर का EPS है 18.76 रुपीज़ का। सो आगे चलते ये देख सकते हैं इसका गिरावट का ग्राफ और यहाँ पे भी आप वॉल्यूम देख सकते हैं। देन इसका क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे तो रिवेन्यू तो आप देख सकते हैं, राइजिंग रिवेन्यू तो दिख रहा है आपको, क्वार्टर ऑन क्वार्टर राइजिंग दिख रहा है, इंटरेस्ट देख सकते हैं, एक्सपेंसेस। सो यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट नेगेटिव में आ रहा है कुछ क्वार्टर्स में आप देख सकते हैं और ओवरऑल नेट कंपनी प्रॉफिट में दिख रही है और प्रॉफिट इंक्रीजिंग ही है तो नो डाउट उतना खराब नहीं है कहीं पे भी। EPS है, क्वार्टरली EPS भी राइजिंग है, चिंता करने की बात नहीं है। NPS देखेंगे तो NPS थोड़ा राइजिंग कंडीशन में, ये थोड़ा चिंता करने का बात जरूर है, ये NPS थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए दोस्तों, ये चिंता का विषय रहता है। सो ग्रॉस NPA नेट NPA राइजिंग है अभी फिलहाल, सो NPA एक थोड़ा सा चिंता का विषय है प्रेजेंट कंडीशन और थोड़ा ख़राब हो सकता है या डैमेज हो सकता है फिलहाल जो प्रेजेंट सिचुएशन के चलते, बट ये सभी कंपनीज का होगा, खाली इंडसइंड बैंक का ही नहीं होगा दोस्तों, तो इसको आप ध्यान में रखिए। देन आप देखिए इसका रिवेन्यू ईयरली रिजल्ट्स को आप देखेंगे तो ईयरली रिजल्ट्स में रिवेन्यू देख लीजिए 2008 में 1881 करोड़ और 2019 में देख सकते 22261 करोड़ का है और TTM 27388 करोड़ का है, तो काफ़ी अच्छा रिवेन्यू है। लेकिन लास्ट टू इयर्स में फाइनेंसिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट नहीं है, लॉस में है, ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबल है, ओवरऑल नो प्रॉब्लम, नेट प्रॉफिट आ रहा है कंपनी का, नेट प्रॉफिट राइजिंग ट्रेंड में है और EPS भी राइजिंग है दोस्तों, देख सकते हैं EPS राइजिंग है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, 10 साल का यहाँ पे पूरा समरी है स्टैटिस्टिक का, जो कंपाउंडेड ग्रोथ नेगेटिव दिख रहा है तो ना उसमें जो शेयर कैपिटल है दोस्तों, शेयर कैपिटल में इक्विटी डायलूशन हो रहा है ये आप देख सकते हैं तो 603 करोड़ का भी है और इसका रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट तो राइजिंग है 26072, बट बोरोइंग भी बढ़ रहा है यहाँ पे, बोरोइंग के साथ अदर लाइबिलिटीज, तो ओवरऑल ये कंपनी अभी फिलहाल एक अच्छा स्टेटस में है कि आप इसको बाय जरूर कर सकते हैं क्योंकि सभी जो बैंक्स हैं सभी बैंक्स का लगभग स्टेटस सिमिलर ही रहेगा दोस्तों। सो ये अभी काफ़ी अच्छे चीप वैल्यू के ऊपर आपको अवेलेबल है दोस्तों, तो इस कंपनी में आप बाय करने का सोच सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाइंग रेंज आप ध्यान में रखिए 250 से 400 के बीच में आपको इसको एक्युमुलेट करना है, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में एक्युमुलेट करना है तभी आप इसको सभी रेंज में बाय कर पाओगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों भाई पैसा देश की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्काउंट ब्रोकर फर्म है दोस्तों और इसमें आपको 0 चार्जेस लगेंगे अकाउंट ओपनिंग के लिए और इसमें आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग, 0 ब्रोकरेज, साथ में म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, रोबो एडवाइज़र, अल्गो ट्रेडिंग, लोन, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म में मिलेगा दोस्तों। और इसके 450,000 प्लस क्लाइंट बन चुके हैं, 3.5 मिलियन ऐप डाउनलोड हो चुके हैं और 2019 का बेस्ट ब्रोकिंग फिनटेक प्रोडक्ट ABP न्यूज़ की तरफ से इनको अवार्ड मिला है 2019 का। सो ये बहुत बढ़िया कंपनी है दोस्तों, आपको फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट्स है इनका,
आपको इसका एप्लीकेशन भी बहुत बढ़िया है दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया गया है, उसमें जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बढ़िया है, म्यूचुअल फंड आप SIP कर सकते हैं, काफ़ी सारा अपॉर्चुनिटीज इसमें है दोस्तों। सो अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक है, उसमें जाके अकाउंट ओपन कीजिए दोस्तों।